नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध पर क्यों लगाया इल्जाम। गौतम बुद्ध की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैली जा रही थी। कुछ लोग उनसे बहुत परेशान थे। वह ये सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध की यश और कीर्ति को कैसे रोका जाए। सात्विक नगर में एक चिरचा नाम की अति सुंदरी परिव्रजका रहती थी। उसने उसको गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए तैयार किया। गौतम बुद्ध सात्विक वासियों को जब धम्म का उपदेश देते थे अपने आश्रम में, चिरचा उनके द्वार के बाहर खड़ी रहती थी। जब लोग धम्म उपदेश सुनकर बाहर आते थे तो चिरचा आश्रम में प्रवेश करती थी। वह कुछ देर वहीं रुकती थी। जब सात्विक वासी दोबारा उस आश्रम के अंदर जाते थे तो चिरचा आश्रम से बाहर निकलती हुई नजर आती थी। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन चिरचा गेट के बाहर खड़ी हुई थी। चिरचा ने अपने पेट पर काट और कपड़ा बांधे हुए था। सात्विक नगर वासियों ने उनसे पूछा कि आपका पेट क्यों फूला हुआ है। उसने बताया, मैं कुछ दिनों तक आश्रम में गौतम बुद्ध की कोठी में ठहरी हुई थी। मेरा पेट का आकार उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। यह गर्भ उन्हीं का है। गौतम बुद्ध पर इल्जाम लगाती हुई चिरचा चिल्ला चिल्ला कर धम्म उपदेश के बीच में जाकर बोलने लगी। गौतम बुद्ध से बोलने लगी, आप धम्म का उपदेश देते हो, आपके शब्द भी मीठे हैं, लेकिन मुझे आपसे गर्भ प्राप्त हुआ है। अब मैं पूर्ण गर्भवती बन चुकी हूँ। ना तो तुम मुझे प्रसूति घर देते हो, ना ही घी तेल आदि का प्रबंध करते हो। गौतम बुद्ध ने धम्म उपदेश को बीच में ही छोड़कर गौतम बुद्ध बोले कि या तो सच्चाई तू जानती है या फिर मैं जानता हूँ। गौतम बुद्ध अपने वचनों को प्रारंभ करते हुए यूं ही थोड़ी देर बीत गई। चिरचा इतनी खो गई उनके वचनों में कि चिरचा का पेट ढीला हो गया और उसके पेट पे बंधा कांट और कपड़ा खुल गया। चिरचा का शरीर शर्म के मारे पीला पड़ गया और वह गौतम बुद्ध के चरणों में जाके गिर गई। लोगों ने उसको धिक्कारने लगे और बोले, गौतम बुद्ध पे पाप लगाकर तू पाप की भागीदारी बन रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।